गंगा म्यूजिक आप बारहवीं वर्षी नाजी महाराज की है और नाजी महाराज ने अपने जीवन में जो किए 32 चतुर्मास किए नाजी महाराज ने, और जिन जिन भक्तों ने नाजी महाराज की बात मानी, सुनेगा मेरी बात को, थोड़ा सा मोबाइल का मोह छोड़िए सत्संग में। भैया मोबाइल से जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सत्संग में तो छोड़ दो इसको, एक जगह ही सुकून मिलता है वो है सत्संग। ये मोबाइल के चक्कर में तो कई लोग पागल हो गए साहब। हाँ नैना टाबरी चड्डी चेक करी जो घड़ी घड़ी मैसेज नहीं आया चेक करे कि आज तो ही आयो को नहीं, आज तो ही आयो को नहीं, आज तो ही आयो को नहीं। ये जीवन इस मोबाइल के चक्कर में चला जाएगा, सेटिंग के चक्कर में चला जाएगा। मित्रों ये सनातन धर्म अब इस भारत भूमि को इस युवाओं की जरूरत है, भारत भूमि को युवाओं की जरूरत है, और युवाओं ने अपना जीवन नशे को अर्पित कर दिया है। कोई गुटखा खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई जर्दा खा रहा है। ये शरीर भगवान ने इसलिए नहीं दिया है, ये शरीर कुछ करने के लिए दिया है। हम मरे, मैं मेरा कहता हूं भाई, मैं मर जाऊं तो लोग मुझे याद करे कि लोग आदमी देसी भजन गाव तो। मैं मर जाऊं उसका कम नहीं, तो हमारे जीवन में मैं मरूं तो लोग मुझे याद करेंगे कि देसी भजन गाव तो, हाची बातों मनसो मत कहतो। और प्रत्येक आदमी मरने के बाद पीछे दुनिया याद करनी चाहिए हर आदमी को। इस धरती पर हम निमित्त बन के आए हैं, सिर्फ और सिर्फ निमित्त बन के। अभी यहां पर भजन गा रहे हैं, घर जाने की गारंटी यहां पर बैठे किसी के पास नहीं है। कहे मैं यहां पे भजन गा रहा हूं, घर पहुंचाने की गारंटी उस परमात्मा के पास है, उस मां भगवती के पास है, बाकी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इस बात का विशेष कर तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, मोबाइल को उतना ही काम लीजिए जितना जितनी उसकी जरूरत पड़े उतनी ही। हमारे तो थोड़े ग्रह आगा मोबाइल बट गेम खेलो ग्रह घनी देर बाढ़ दौड़ जो। और कई कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं, भाई साहब एक मिनट डबो डबो यार, भाई साहब डबो डबो, इंतजार नहीं करेगा ग्राहक आपकी, क्योंकि आपके जैसी बहुत सारी दुकानें हैं सामान की। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, है ना। तो बस मेरा निवेदन ये रहेगा कि आप थोड़ा सा मेरा निवेदन मानिए, यहां नहीं कहीं भी सत्संग में जाए, कहीं भी मंदिर में जाए तो मोबाइल का मोह त्याग कर उस परमात्मा से मोह करिए, उस भगवान से मोह करिए, वो आपके काम आएगा। 2020 में एक वायरस आयो कोरोना, क्या आया कोरोना, बोले तो क्या आदमी के अंदर ऑक्सीजन की कमी, फेफड़ों में ऑक्सीजन की कमी होनी शुरू हो गई, बोले तो भगवान ने वायु तत्व अंदर से कमजोर कर दिया। क्या कर दिया, वायु तत्व। ये वायु तत्व का है, यहां पर खेल है, जो वायु तत्व का खेल है, और वायु तत्व भगवान ने अंदर से थोड़ा सा कमजोर कर दिया और लोगों ने कह दिया कि कोरोना आ गया, कोरोना आ गया, कोरोना। इस दुनिया में जो हर प्राणी, धरती का हर मानव पांच तत्वों से चलता है, पांच तत्वों से अलावा परे नहीं है, और पांच तत्वों से में एक भी तत्व अगर कम पड़ गया तो उसका चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा साहब। इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा। मराठी का कई भाई कहेगा तो मैं ही जाला हूं, मारिज गार्ड की मैं ही जला हूं, अरे थे को नहीं अलावो नहीं, वो अलावनी हो कोई बीजो है। नीली छत पे बैठा जाने ऐसा कौन मदारी, नीली छत पे बैठा जाने ऐसा कौन मदारी, और जैसे जैसे खेल खिलावे अकेले दुनिया सारी, अकेले दुनिया वो जियो जियो वो खेल खिलावे नहीं भी वहां पे खेल रिया हूं। मैं एक भजन गाया तो संतों का भजन है, मैंने नहीं गाया, संतों के शब्द है, कद कद गाड रो सिंह भाग जावे और समय को भरोसा नहीं भाया कद पलटी मार, तो कोई भतो नहीं है इन वास्ते, जब तक हो तब तक देख लो। तो भाषण दियो बार झूठे थोड़ी बार जी, हाँ हाँ वे ही नहीं सके। अपना तो काम है केवर हो, माने नहीं माने, बूढ़िया कहता कह रहे धके खाडो है तो के अड़दू ही जाऊं, अरे खाडो है के अड़दू ही जाऊं, तो ले जा प्रो बाबू जी बीजो को।
लुगाई अली गणी बाब जी आदमी ने जीवन नहीं दे, लुगाई अली गली आदमी ने जीवन ही नहीं देवे। आदमी की ओर एक ही करी करे ना लुगाई रो की करी करे नेचो हो जावे तो ठीक है, क्योंकि आदमी आदमी री इज्जत किन्ने हाथ में, औरत रे हाथ में किन्ने हाथ में। घरे आयोडा ने आदर दीजिए, नमस्कार निव कीजिए और ईश्वर घट घट में विराजे अंत गर्भ मती कीजिए, मन वा थोड़ो दया भाव राखीजिए। इसलिए मित्रों एक बार बड़े प्रेम के साथ में पीर जी महाराज का जयकारा बोले, पीर शांतिनाथ जी महाराज की। आपको ज्यादा समझाना और सूरज को दीपक दिखाना, सबके घट घट में प्रकाश है, सबके घट घट में गूगल ज्ञान है, सबके घट घट में व्हाट्सएप ज्ञान है, सबके घट 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 में इंस्टाग्राम ज्ञान है, लेकिन सबके घट घट में आत्म ज्ञान नहीं है। और जब तक आत्म ज्ञान नहीं होगा कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं और मैं किस लिए हूं, जब तक ये नहीं है तब तक जिंदगी में, क्योंकि इस दुनिया में पैसों वालों का नाम कभी अमर नहीं होता साहब। अगर पैसा वाला का होता तो आती हुई पीढ़ी मुकेश अंबानी को नहीं पहचानती, धीरू भाई अंबानी को पहचानती, क्योंकि ज्यो ज्यो पीढ़ियां जाती हैं ज्यो ज्यो पैसे पीछे रह जाते हैं और नाम आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए दुनिया में कोई कुछ करता है, आज मुकेश भाई का नाम है, धीरू भाई का नाम नहीं है, क्योंकि पैसों से सब कुछ नहीं होता मित्रों इस जीवन में। अगर पैसे देने हैं तो कहीं ऐसी जगह दीजिए जहां पर लगे आपको कि यहां पर पैसों की जरूरत है और यहां पर पैसों की जरूरत है, इस बात का ध्यान रखें, यहां पर है, यहां पर है साहब। मैं इस गलियों के अंदर से आया बाब जी, इस गलियों के अंदर से गलियों में घूमियो घणो, आज मु डेढ़ घंटों घूमियो गलियों में, मां तो खराब हो गई बाब जी, मैं क्यों जाए सीधे कार्यकर्ता ने की कहना पड़ी, लेकिन अण भूमिर में जी पग दियो नहीं जो एकदम मन शांत हो गयो, आ ताकत है इन भूमिरी। ताली बजाओ जोरदार से। तो चलिए आप भजनारी तरफ बढ़ रहा हो, मारवाड़ी बोलू चाली पक्की, नहीं तो हिंदी में बात करें, हिंदी आती, कन्नड़ आती, मराठी आती, सब आती, तमिल भाषा और भजन ही सब में ही आते हैं, चिंता मत करना, क्योंकि जाट के वे जाटनी ने जन गांव में रहना और ऊंट ने बिलाड़ी ले जावे अपन तो हजी हजी कहना बाब जी। तो चलिए भजनों की तरफ बढ़ रहे हैं। राम जी राम। सीता राम सीधा डीले बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। श्री माता पिता मेरे गुरुदेव को कोटि कोटि प्रणाम, मात पिता मोहे जन्म दियो मेरे सतगुरु दीनो ज्ञान, सतगुरु दीनो ज्ञान सत्य की राय बताई, अजी मात पिता मेरे गुरुदेव बिना मोहे दूजा दीखे नाही। सबसे पहले मैं धरता और अपने इष्ट का ध्यान, हनुमान बाबे का ध्यान, सबसे पहले मैं धरता अपने इष्ट का ध्यान, बाद में सत्संग में पधारे भक्तों को मेरा प्रणाम। Yeah.
तरवर सरवर संत जन चौथा बरसे में अजी परमारथ रे कारण ये चारों दारी दे और सबका मुजरा लेत जैसी जिनरी भावना प्रभु वैसा ही फल दे जटासु मेलो गया हो वाहे मारवाड़ मालाणी री भूमि वन भूमि माते बहुत ठावा संत हुआ रावण मलिनाथ जी महाराज जो पीर जी बाब जी ने लगभग शांतिनाथ जी महाराज ने वहां पर जो सिद्ध हुए उनकी सभी की प्रतिष्ठा पीर जी महाराज ने कराई। एक बार जोरदार ताली बजाए पीर जी महाराज के लिए। जितने भी मंदिर वहां पर बने मारवाड़ मालणी में उन सभी की प्रतिष्ठा पीर शांतिनाथ जी महाराज ने करवाई है। तो मेलोक जटा हूं आया हूं बाहे मारवाड़ मालणी री भूमि और मारवाड़ मालणी में बहुत ठावा संत हुआ रावण मलिनाथ जी महाराज और भाई रूपा दे जी। तो भाई रूपा दे जी अपना गुरु महाराज ने अरदास करे और अपा पीर शांतिनाथ जी महाराज ने अरदास करा बोले गुरुदेव आज तो आपने आवणो ही पड़ेला क्योंकि भगत बुलावे आवणो ही पड़ेला। रूपा दे जी लिख रहा है अरे आवणो पड़ेला रे कार जी अटे हाचा मन मा तो टेकन जाजो पच बार महीने बाद में भाव मिलजो इंस्टाग्राम माते संपर्क कर लेजो पण आपरो मन हाचो वेणो चीजो अठे बारह महीना बाद में पाचा मरजो आज अटे मा तो टेकन हाची बात कह लेजो अगर आपरो काम सिद्ध नहीं वे तो मैं गाणो छोड़ दू लाण बात रो ध्यान राखजो बास 120% जने जने पीर जी महाराज री बात मानी जिने जिने पीर शांतिनाथ जी महाराज री बात मानी उन्हों के आज 25 साल पहला कुछ नहीं तो लेकिन पीर जी री जिन दिन पीर शांतिनाथ जी री बात माननी शुरू करी आज वे अरबों खरबों में खेल रिया है। ओह पीर शांतिनाथ जी महाराज रो आशीर्वाद साहब। लेकिन कुछ चीजों छोड़नी पड़ेला कुछ चीजों छोड़नी पड़ेला और कुछ चीजों पकड़नी पड़ेला बिनोरो नाम है पीर शांतिनाथ जी महाराज सुनेगा अरे आवण हो पड़ेला रे कार जी ए सारण हो पड़ेला अरे आजरी जागण में सतगुरु आवण हो पड़े बोले पीर शांतिनाथ जी महाराज की बोले वाधेश्वरी मात की ये आवण हो पड़ेला कारजी सारण हो पड़ेला ये आजरी जागण में पीर जी आवण हो पड़ेला शांतिनाथ जी थाने आवणो पड़ेला बोल झाड़ी राना Thank you.
पहला रे युगा में भक्ति पहला दारे आया। ओ पहला रे युगा में भक्ति पहला दारे आया। ये पाची करोड़ तपसी तारणा पढ़ेला, पाची करोड़ तपसी तारणा पढ़ेला, आजरी जागण में थाने आवड़ो पढ़ेला, आजी आवड़ो पढ़ेला, पीर जी आवड़ो पढ़ेला, आवड़ो पढ़ेला, दर्शन देवना पढ़ेला, आजरी जागण में शांति नाची आवड़ो पढ़ेला। बोले पीर शांतिनाथ जी महाराज की, मोर मुकट बंसी वाले की, बोले गौ माता की, हर 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 हर। ए शिरे रे मंदिर ये निजी धामी कहावे, ए शिरे रे मंदिर ये निजी धामी कहावे, ए भैरू रे अखाड़े दर्शन देवना पड़ेला, भैरू अखाड़े दर्शन देवना पड़ेला, आजरी जगण में दाता आवड़ो पढ़ेला, बोले पीर शांतिनाथ जी महाराज की। आज इस सागर में जो भी इनाम आएगा, मैंने और शंकर जी ने डिसीजन लिया है कि आज की जागरण में जो भी इनाम आएगा यहां पर गौशाला है वहां पर दिया जाएगा साहब। तब आप समझ गया इनाम सब नहीं देना है, ध्यान रख जो है नी दकू लार बैठा तो दकू दको पकड़ा बता रहे जो। आज जितो भी इनाम आवेला, चाहे 5,000 आवे, चाहे 10,000 आवे, चाहे 1,00,000 आवे, चाहे 2,00,000 आवे, और सब अठेरी गौशाला में जावेला। और एक भजन बाद में और भी बात बताऊंगा आपने, एक बार जोरदार जयकारा बोल गौ मात की। हाजी दूजा रे युगा में भक्ति अजी, दूजा रे युगा में राजा हरिचंद्र आया। ये सात ही करोड़ तपसी तारणा पढ़ेला, सात ही करोड़ तपसी तारणा पढ़ेला, आजरी जगन में दाता आवड़ो पढ़ेला, तीजा रे युगा में राजा जेठल रे आया। ये तीजा रे युगा में राजा
जेठल रे आया ये नवरे करोड़ तपसी तारणा पढ़ेला नवरे करोड़ तपसी तारणा पढ़ेला आजरी जगण में थाने आवणो पढ़ेला चौतारे युगा में राजा बली चंद्र आया ये बारे रे करोड़ तपसी तारणा पढ़ेला बारे करोड़ तपसी तारणा पढ़ेला आजरी जगण में सतगुरु आवणो पढ़ेला चार रे जुगोरा मंगल रूपों दे जिगावे ये चारी जुगारा मंगल रूपा दे जिगावे ये थाली माई बागी लगावनो पड़ेला आजरी जगण में दाता आवणो पढ़ेला आजरी सत्संग में थाने आवणो पढ़ेला बोले पीर शांतिनाथ जी महाराज की शंकर भगवान की। मित्रों यहां पर एक गौशाला है तो लगभग 70-80 गाय हैं, इतनी है ना पटेल साहब, कितनी गाय 70-80 गाय हैं, लगभग 100 के लगभग है। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि बड़ी बड़ी गौशालों में तो सब लोग देते ही है साहब, पैसे वहां दीजिए जहां पर रियल में जरूरत हो। भाई पया वठे देना जते अपना रियल में लागे अठे वण पयोरी जरूरत है। तो मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि पर दिन का आप मेंबर बनिए और पर डे 5100 रुपए, राइट 5100 रुपए। और जो कोई भक्त चाहता है कि नाम और गौ माता के लिए हम कुछ कर सकते हैं या करने की इच्छा है तो वहां यहां पर आए और भक्त, ये हमारे भक्त हैं, इनसे आप संपर्क कीजिए और नाम लिखाइए आप। और चिड़ी चांच पर ले गई नदी न घटियो नीर और दान किया धन ना घटे ने कह गए संत कबीर। तो गौशाला में आप अपया काम आवेला 5100 रुपया पर डे राय जितनी भी अपे 5100 रुपया दोला तो वनो अपने अटे गायों रे चारो चारो आवेला। तो एक काम करो पटेल साहब, एक बार ने श्याम पलीवाल एंड पार्टी तरफ 5100 रुपया लिख दो थे बाज आ शुरुआत अपो, ठीक है। ताड़े वन भक्तों वास्ते बजावणी जो को गौ माता रे वास्ते कुछ कर सके, बाबूजी राठौड़ गौ माता रे वास्ते आपरे प्राणों री आहुति दे दी। सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज गौ माता रे वास्ते आपरे प्राणों री आहुति दे दी। और जिता भी इन धरती रे माते संत हुए राजा राम जी महाराज गाया चराई, आज इन दुनिया में नाम अमर है, ताली बजाए राजा राम जी के लिए। खेता राम जी महाराज बैल चरावता और आज दुनिया में नाम अजर और अमर है। फिर शांतिनाथ जी महाराज बचपन में गाया चरावता, आज बनारो नाम अजर और अमर है। हर साल रहे हमेशा रो नाम है, हर साल देना है।
कोई बात नहीं, 51 रुपये घड़ा कोई भाई कौन बात नहीं, अपन हर साल थे लेता रहे जो, ठीक है मोंगे नंबर दूंगा मैं आपने, ठीक है। धर्म रे दियोड़ो दान कटी नहीं जावे, हर साल आपने 5100 रुपया देना है, आप रोज रहा 50 रुपया नौकला नहीं डब्बर में तो ही भेजेला वाला भक्त हो, हर साल रहे ना, हर साल का 5100 रुपये। इन वास्ते धर्म रे दियोड़ो दान कटी नहीं जावे, घूम फिर पाछो 100 गुणावे भगत रही घर में आवे, और नहीं आवे तो देख लो परिणाम, नरसिंह जी मायरो भरियो, नरसिंह जी माया लुटाई 14 करोड़ की, कितनी नरसिंह भगत 14 करोड़ री माया लुटाई, और भगवान 56 करोड़ रो मायरो भरियो नहीं भरियो, तो अपनी कटी न कटी भगवान बेल आवेला, जद अपे गौ माता रे वास्ते कुछ करो ला, क्योंकि आप रे वास्ते तो हर प्राणी जीवे रही हो, लेकिन दूसरों रे वास्ते जीवो ला तब कुछ न कुछ भगवान अपनी अर्जी सुनी ला। एक बार सभी भक्त बड़े प्रेम रे साथ में जयकारा बोले, शांतिनाथ जी महाराज की।